सारे रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर हमें हमारे मन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम इस प्रोडक्ट को क्यों बाय करेंगे। मैं चाहती थी कि ये प्रोडक्ट मुझे सूट करे, मैं इसको यूज करूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। आई एम वेरी डिसअपॉइंट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वीडियो का टाइटल पढ़कर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं एक और प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं वाव का शैम्पू एंड कंडीशनर का रिव्यू आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शैम्पू के बारे में, इनकी क्वांटिटी की। तो दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, 300 ml। प्राइस की बात करें तो जो शैम्पू है इसका प्राइस है 499 rupees, 300 ml क्वांटिटी। और कंडीशनर है इसका भी प्राइस है 499 rupees, 300 ml। यानी कि दोनों की क्वांटिटी और प्राइस दोनों इक्वल है। सेल्फ लाइफ दोनों की 2 years मिल जाती है, दोनों की सेल्फ लाइफ भी सेम है। अब बात करते हैं इनकी रिजल्ट की। गाइस, मैंने इनको मंगाया था और मुझे इनको यूज करते हुए टाइम हो चुका है। आई थिंक मैंने 4 to 5 times इनको यूज कर लिया है। तो मैं अब बात करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ और आपको इनको लेना चाहिए या नहीं। तो गाइस, मैं इनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इसको शैम्पू को जब यूज किया और कंडीशनर को जब यूज किया तो मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए। मतलब जो हमारे बालों का नेचुरल कलर जो होता है, नेचुरल मॉइस्चर जो होता है, वो भी बिल्कुल निकल गया। वैसे भी आपने देखा होगा समर्स में हम लोग के बाल ऑब्वियसली ड्राई हो ही जाते हैं, क्योंकि स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है और स्वेटिंग जब स्कैल्प पे आती है तो बाल ड्राई हो जाते हैं। लेकिन जब इस शैम्पू को मैंने यूज किया तो बाल और ज्यादा ड्राई हो गए। कंडीशनर जब अप्लाई किया तब भी बाल और ज्यादा ड्राई हो गए। एक और चीज, जब हम शैम्पू को यूज करते हैं तो कम अमाउंट जो हम आप अगर कम क्वांटिटी आपने ली है तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने अगर ऑयलिंग की हुई है और आप चाहते हो कि ऑयल निकल जाए, आप शैम्पू करोगे ऑब्वियसली चाहोगे कि ऑयल निकल जाए, तो आप इस शैम्पू को यूज करोगे तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकलेगा। आपको ज्यादा पंप करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको लेना पड़ेगा, तब आपका ऑयल निकलेगा। ऑयल निकल जाएगा, साथ ही मॉइस्चर जो आपके बालों का नेचुरल मॉइस्चर होता है वो भी बिल्कुल निकल जाएगा। मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके थे। ये फर्स्ट प्रोडक्ट था वाव का जो मैंने ट्राई किया था। वाव आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, हर कोई वाव के प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। क्वांटिटी आपने देखी और प्राइस भी आप लोगों ने देखा, प्राइस कितना ज्यादा है। वैसे तो हर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम इन्वेस्ट कर भी रहे हैं उसके बावजूद भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं समझती हूँ कोई भी इन प्रोडक्ट को लेना नहीं चाहेगा। मैंने शैम्पू यूज किया, कंडीशनर भी मैंने यूज किया, मुझे दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मेरे बाल बिल्कुल ड्राई कर दिए इन्होंने। एक प्लस पॉइंट जरूर मैं कहूंगी, बस हेयर फॉल नहीं होता है। अगर आप ये शैम्पू और कंडीशनर यूज करते हो तो हेयर फॉल नहीं हो सकता, नहीं होगा आपको। मे बी शायद मुझे सूट ना किए हो ये वाले शैम्पू, क्योंकि हर किसी का टेक्सचर अलग होता है, हो सकता हो आप लोगों को सूट कर जाए। मेरा जो एक्सपीरियंस था पर्सनल, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं, नहीं चाहते तो ना लें। मेरा काम था आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करना। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।